दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पेटीएम पोस्टपेड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे को जो लिमिट होता है उसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, और जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है जो कि बहुत सारे लोगों को पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अगर संभव हो तो। पैसा ही पैसा हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि मैंने ट्रांसफर किया नहीं किया, जो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पेटीएम पोस्टपेड का जो अकाउंट है वो मैं दिखा देता हूँ। मैंने पिछले मंथ में ही, हालांकि आज 2-3 तारीख, आज है कितना तारीख, आज 3 तारीख है, तो मतलब पिछले मंथ में ही मैंने कुछ पैसे निकाले थे, लेकिन उस टाइम भी बहुत सारे लोगों को नहीं निकल रहा था। तो वो कैसे निकाला था मैंने, वो मैं चीज़ें दिखा देता हूँ पहले कि कब निकाला है। यहाँ पे पहले मैं आपको लिमिट दिखा दूँ कि मेरा लिमिट कितना है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, पहले आप देख लें यहाँ पे लिमिट मेरा कितना है और कैसे आपको निकालना है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मेरा 40,000 यहाँ पे लिमिट यहाँ पे है, और मैंने कुछ 21,000 कुछ चार्ज वार्ज मिलाकर यूज कर रखा है। यहाँ पे बिल भी जनरेट हो रखा है। लास्ट डेट, ड्यू डेट जो है 7 फरवरी को है, और मुझे 7 फरवरी तक पे करना पड़ेगा। और मेरा 18,923 रुपया और 5 पैसा यहाँ पे मेरा भी लिमिट जो बच रहा है, ठीक है। और ये पैसे मैंने 10-10 हज़ार करके 2 बार निकाला है, तो इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पासबुक पे, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको ट्रांजेक्शन, ओरिजिनल ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। इस टाइम भी लोगों को पैसा नहीं निकल रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन मैंने 10,000 रुपीज़ निकाला था, जिसमें हाउस रेंट पेमेंट करके निकाला था, जिसमें 230 रुपीज़ कुछ चार्ज लग गया था, और 10 हज़ार मैंने दिन को निकाला था। और उससे पहले भी एक बार मैंने और निकाला है, 3 जनवरी को 10 हज़ार निकाला था, आप देख सकते हैं। तो आपको निकालना कैसे मैं आपको बता दूं कि आप रेंट पेमेंट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से जो प्रॉब्लम चल रहा है कि वो पेमेंट ऑप्शन ही शो नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम में आप इसको रिट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन सिर्फ यही है कि कभी कभी ये ऑप्शन शो होता है, जैसे कि मैंने भी ट्रांसफ़र किया था तो मेरा भी पहले यही सिचुएशन बता रहा था, लेकिन दिसंबर से ही कुछ ऐसे पहले से ही ख़राब चल रहा है, या कभी कुछ लास्ट दिसंबर से ही। तो जनवरी में मैंने ट्रांसफ़र किया था तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा था कि मतलब वो प्रॉब्लम बता रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ रेंट पेमेंट, जैसे क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट या पोस्टपेड से रेंट पेमेंट यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 2,000 रुपये सपोर्टेड मान लीजिए। तो यहाँ पे मैं लोकेशन दे देता हूँ, और यहाँ पे आप मल्टीपल बार ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे निकल पाए, क्योंकि मैंने भी वैसे ही सेम किया था कि कई बार मैं ट्राई करते रहता था, मतलब कि कभी भी ऐप खोला, क्योंकि मैं मेरे को उस टाइम पैसे की थोड़ा ज़रूरत था, तो उस टाइम मैं ट्राई करते रहता था कि कैसे मेरे को काम चल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी पोस्टपेड लोन इज अनेबल बता रहा है, करेंटली अनेबल फॉर दिस मर्चेंट, प्लीज़ यूज अनदर पेमेंट ऑप्शन। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, आप नहीं तो वेट कर सकते हैं। अगर निकालना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम में से रिट्राई करके देखें, हो सके आपका ऑप्शन यहाँ पे मिले। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि ऑप्शन ये नहीं आ रहा। बीच में कभी मैं 20 जनवरी को आसपास मैंने देखा था कि एक और ऑप्शन आ रहा था 20 जनवरी तक, लेकिन उसके बाद से मैंने देखा है, मैं लगभग ट्राई कर ही लेता हूँ एक दिन दिन भर में, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उस टाइम से नहीं आ रहा है। तो बस ऑप्शन यही है, एक ऑप्शन सिर्फ यही है कि आप मल्टीपल टाइम ट्राई करके देख सकते हैं, और अगर आपको मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप वेट करें जब तक कि वो न्यूज़ ना आ जाए कि पेटीएम पोस्टपेड चालू हो गया फिर से। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।